सिंह, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप पहली बार स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो मेरी बहुत सारी वीडियो है जिसमें आपने देखा होगा कि स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे बिगनर्स हैं जिसको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और उससे बैलेंस नहीं बन रहा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब आप बैलेंस बनाते हो और बैलेंस बनाने के लिए परफेक्टली सीख जाते हो तो किसी भी स्कूटी को आप चला सकते हो। एक बार आप कोई भी स्कूटी से बैलेंस बना लो तो आपके लिए हर स्कूटी चलाना बहुत ही ईजीली हो जाता है। मेरे पास में कमेंट्स आती है कि मैम, मेरा 5G एक्टिवा स्कूटी है तो क्या मैं बैलेंस बना सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप के अंदर में सच्ची लगन होगी और आपको स्कूटी चलाने के लिए सीखना है तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना। अगर आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होगा, मन से सारे डर को ख़त्म कर दोगे और मन में एक बात ठान लोगे कि आपको स्कूटी चलाने के लिए सीखना है, चाहे जैसे भी हो आपको स्कूटी चलाने के लिए सीखना है, फिर देखिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको स्कूटी चलाने सीखने से नहीं रोक सकती है। तो इस वीडियो में आप वही देखोगे कि अगर आप एक स्कूटी, चाहे मेरी ये देखिए, मेरी ये प्लेजर स्कूटी है, तो अगर आप इस प्लेजर स्कूटी को बोलो या पैप की स्कूटी, कोई भी स्कूटी का एक बार बैलेंस बना लेते हो तो कोई भी भारी स्कूटी हो आप उसे इजीली चला सकते हो। या फिर आप अगर एक्टिवा स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो बैलेंस बनाना सेम होता है, चाहे आप भारी स्कूटी का बैलेंस बनाए चाहे हल्की स्कूटी का बैलेंस बनाए। बस होता है वहाँ क्या कि भारी स्कूटी में थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप स्कूटी का बैलेंस परफेक्टली बनाने के लिए सीख जाते हो तो किसी भी स्कूटी को आप इजीली चलाने के लिए सीख जाओगे। तो परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे, बिना स्कूटी गिराए, बिना चोट लगे, परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे, आज की वीडियो में मैं वही दिखाने वाली हूँ कि स्कूटी का परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाओगे। तो अगर मेरे सारे टिप्स को फॉलो करते हो, एक एक करके सारे टिप्स को स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसेस से आप उसी तरह से स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है स्कूटी का बैलेंस बनाना। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कहीं भी स्किप मत करें। अगर आप स्किप करते हो तो कोई भी स्टेप को अगर आप छोड़ देते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि आप जहाँ स्किप करते हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसे टिप्स आते हो जो आप नहीं देख रहे हो और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें और पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें। पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप परफेक्ट तरीके से, अगर साइकिल चलाना नहीं भी जानते हो तो परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है, देखिए रास्ते थोड़ा सा ढलाव होना चाहिए। स्कूटी को मैंने यहाँ स्टार्ट नहीं किया है और करना क्या है कि स्कूटी के ऊपर में आप इजीली बैठो और ये देखिए मेरे पैरों को देखिए, मैं पैरों से कैसे धक्का दे रही हूँ। हालांकि रास्ते थोड़ा सा ढलाव है तो आप उस रास्ते पे जाओ जहाँ रास्ता थोड़ा ढलाव हो। तो वहाँ क्या होगा कि जब आप इस तरह से स्कूटी में बैठोगे बिना स्कूटी स्टार्ट किए, खुद ब खुद स्कूटी चल पड़ेगी। तो ऐसे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका स्कूटी का बैलेंस बनेगा। तो देखिए रास्ते थोड़ा सा ज़्यादा ढलाव है तो स्कूटी खुद ब खुद चलने पड़ रही है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि स्कूटी में आपका बैलेंस बनेगा, स्कूटी को संभालने के लिए आप सीखोगे। तो थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखोगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस आप बना सकते हो। तो रास्ते ढलाव होने के कारण स्कूटी खुद ब खुद चल रही है, पैरों को मैंने ज़मीन पे ही रखा है। तो बस इस तरह से आप स्कूटी का प्रैक्टिस करें। तो अब मैं स्कूटी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्कूटी स्टार्ट करने समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इजीली बरसात में स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखिए चौक है, तो चौक का काम होता है कि चौक को खींच लेना है, इस तरह से चौक को खींच लेना है और फिर हल्के हाथों से एक्सीलेटर लेते हुए स्कूटी को स्टार्ट करोगे तो बहुत ही इजीली स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। और स्कूटी जैसे ही स्टार्ट होती है चौक को फिर आप अंदर की तरफ पुश कर दो। तो बस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना है। और स्कूटी में जब भी आप बैठो तो बिल्कुल सीधा बैठो, इस तरह से स्कूटी में बैठो तो बिल्कुल सीधा बैठो, थोड़ा सा बॉडी को
पीछे की ओर रखो, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल होके, और पैर हमेशा सीधा होना चाहिए। जब स्कूटी का बैलेंस बनाओगे तो पैर को इस तरह से ज़मीन पे टिका के रखो। अगर आपकी हाइट थोड़ा कम है तो अगर थोड़ा सा भी पैर का आगे वाला तलुआ भी अगर ज़मीन पे पड़ता है तो बहुत ही अच्छी तरह से स्कूटी का बैलेंस आप बना लोगे। तो ये देखिए, स्कूटी को स्टार्ट करके करना क्या है कि बस थोड़ा सा 30 सेकेंड के लिए इस तरह से आगे जाओ, फिर स्कूटी को रोको, फिर आगे जाओ, फिर स्कूटी को रोको। तो इस तरह से करना क्या कि एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो ले और फिर थोड़ा सा आगे जाओ, फिर ब्रेक ले। तो जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बैलेंस स्कूटी में बनेगा। और नज़र को आप सीधा रखो, जहाँ लगे कि आप स्कूटी में आगे की ओर झुक रहे हो तो फिर आप उठो, फिर पीछे की ओर खिसक जाओ। तो इस तरह से दोनों पैर को जब जमीन पे रखते हुए स्कूटी का बैलेंस बनाते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से अकेले ही स्कूटी का बैलेंस बना सकते हो। तो ये देखिए, मेरे पैर को ध्यान से देखिए, मैं पैरों को कैसे, मतलब मानो ऐसा लग रहा कि मैं पैरों से ज़मीन को धकेल रही हूँ और स्कूटी चला रही हूँ। तो बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो एक तो होगा कि खुद ब खुद आप स्कूटी चलाने के लिए सीखोगे और स्कूटी में आपका बैलेंस भी बनेगा। तो बिल्कुल स्लो लेना है एक्सीलेटर, ध्यान रखें यहाँ एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो ले धीरे धीरे, और पैरों को कंटिन्यू इस तरह से आप ज़मीन पे टिका के ही रखें। और अगर आपका स्कूटी का डिसबैलेंस होता है, स्कूटी अगर गिरते गिरते बजती है, तो वहाँ पे करना क्या है कि फटाक से आप ब्रेक को दबा लें, स्कूटी आपकी वहीं पे रुक जाएगी। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप स्कूटी का बैलेंस बनाओ तो माठ में बनाओ, जहाँ जगह हो वहाँ पे बनाओ, ताकि आपका स्कूटी का हैंडल जिधर मुड़ती है आप उधर ही चल पड़ो, क्योंकि उस समय आपको स्कूटी का बैलेंस बनाना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ गोल शेप में घूम रही हूँ, पैरों से मानो मैं ज़मीन को धकेल रही हूँ, और इसी तरह दोनों पैर को ज़मीन पे रखते हुए धीरे धीरे आप हल्का सा एक्सीलेटर लो और हाथ को ब्रेक के ऊपर में रखो। जहाँ लगे कि स्कूटी गिरने वाली है आप ब्रेक को दबा लो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो जब आपका अच्छी तरह से स्कूटी में बैलेंस बन जाएगा तो इस तरह पैरों को ध्यान देखिए, मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पैरों को, सारा काम है आपका पैरों को, पैर को ज़मीन पर से धीरे धीरे कैसे उठाना है। तो ये देखिए, पैर को हवा में धीरे धीरे आप लहराना चालू कीजिए। मेरे पैरों को देखिए, मैं धीरे धीरे एक पैर उठाना है, दूसरा पैर नहीं उठाना है, एक ही पैर धीरे धीरे आप उठाइए। तो मतलब थोड़ा सा आप हवा में इसे लहराइए, जहाँ लगे कि स्कूटी का बैलेंस आपसे संभल रही है, फिर धीरे धीरे स्कूटी के ऊपर में धीरे धीरे पैरों को रखना चालू कीजिए। अचानक पैर को ऊपर रखना है, जब आप पैर को ऊपर रखोगे तो एक्सीलेटर को हल्का सा तेज करना है। तो फ्रेंड, जब तक आप एक्सीलेटर को हल्का सा तेज नहीं करोगे, आपका पैर ऊपर जाकर स्कूटी थोड़ी दूर तक नहीं चलेगी। तो एक पैर मैंने ज़मीन पे ही रखा है और दूसरे पैर को मैं धीरे धीरे हवा में लहराते हुए ऊपर की ओर ले जा रही हूँ। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू अगर आप 8 से 10 दिन प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही इजीली परफेक्ट तरीके से स्कूटी में आपका पैर जाने लगेगा। और जब एक पैर जाने लगेगा तो दूसरा पैर भी इसी तरह से उठाने की कोशिश करो, स्कूटी का बैलेंस बनाते हुए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से प्रैक्टिस को जारी रखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट।